यार का कोई पिंगल रहा पिंगल रहा पिंगल रहा, देखो निकाल दो ना। गया यार गया 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 गया। आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बनाने वाले हैं एक्स्ट्रा 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 से भी एक्स्ट्रा लोडेड चीज पिज्जा। हमें हमारे सब्सक्राइबर की तरफ से एक चैलेंज मिला था जिसमें हमें एक पिज्जा के अंदर 10 चीज स्लाइसेस को यूज करना है, साथ में हमें मोजरेला चीज भी हम यूज करेंगे ताकि ये और ज्यादा एक्स्ट्रा चीज लोडेड हो जाए। साथ में तो मजा आने वाला है, चीज चीज चीज। साथ में हम चीज स्प्रेड का भी यूज करेंगे ताकि और ज्यादा एक्स्ट्रा चीज बन जाए। आज तो चीज चीज, तो हम आज चीज खा के मरने वाले हैं। अच्छा तो एक बात बताओ, यूजुअली हमें ना वीबा की पिज्जा एंड पास्ता सॉस यूज करते हैं, बट अब की बार हमें ना शेफ बॉस की पिज्जा और पास्ता सॉस लेके आए। क्यों? वो इसलिए क्योंकि वहां पे जो एम्प्लॉय काम कर रही थी ना, उसने हमें बताया कि भाई जो आपको अगर पिज्जा बनाना है ना, तो ये पिज्जा और पास्ता सॉस ये डोमिनोज वाले यूज करते हैं। तो हमने सोचा अगर डोमिनोज ही यूज करता है, तो फिर मैंने वही की वही गूगल करके देखा, मैंने ऐसे नहीं खरीदी। और तो डाउट भी किया था ना, हमने डाउट भी किया, तो वो से बोलती कहती आप ये देख रहे थे सर्च करके? हमने कहा नहीं नहीं हम कुछ और देख रहे थे। फिर उसके बाद हमने ये वाली पिज्जा पास्ता सॉस जब सर्च की तो सही में डोमिनोज ये यूज करता है, शेफ बॉस। देख लो भाई, अगर आपको भी यूज करनी है तो कर सकते हैं। आज फर्स्ट टाइम हमारे ट्राई करके देखते हैं, अगर बढ़िया लगी तो हम आगे भी यूज करेंगे। हमें अच्छी लगेगी तो हम फिर दोबारा लेके आएंगे, नहीं तो विवाह तो है ही अपनी। करते हैं पिज्जा बनाना स्टार्ट। इसको क्या कट करना है? मैं सोच तो रहा था इसको कट करके बनाऊं ताकि अंदर भी अच्छे से फिलिंग कर पाऊं। करो करो करो, हो जाएगा। नहीं होए तो ना आप इसका यूज कर लेना, आपका वाला नाइफ। हेलो, ये है मर्डरर्स नाइफ। मर्डरर्स नाइफ, इससे हम जैसे कुछ लोग डालते हैं ना अपनी इंस्टा के बायो में, अरे केक मर्डरर वाले दे दे, वैसे हम डालेंगे पिज्जा मर्डरर। तो अब हम रेडी कर रहे हैं पिज्जा के बेस के अंदर सॉस जो है वो फिलिंग के लिए, ठीक है? लेकिन पिज्जा वाली सॉस तो थी ना, पिज्जा पास्ता सॉस नहीं, पिज्जा पास्ता सॉस है, बट इसके अंदर थोड़ी सी मेयोनीज, पिज्जा पास्ता सॉस और थोड़ी सी टमाटो केचप मिक्स करके इसका जो फ्लेवर है ना वो और ज्यादा एनहांस हो जाता है, तो बहुत टेस्टी लगती है। पिज्जा का जो बेस है इसको इससे कवर कर देंगे, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे इस पर। अब हम करेंगे थोड़ा सा श्रेडेड चीज ऐड इसके अंदर, और उसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा लिक्विड चीज। ये वाला ज्यादा नहीं डलेगा, 10 स्लाइसेस ज्यादा डलेंगे। जल्दी जल्दी डाल दो ना, इतनी धीरे धीरे। अरे ऐसे ऐसे फैला दो बस, ये जमा हुआ है ना हल्का। जल्दी जल्दी डाल दो ना, ये कैसे अजीब अजीब से लोग हैं वीडियो के अंदर आ जाते हैं। धीरे 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 ऐसे कर दो बस, हो गया। ऐसे 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 ऐसे। अब हम इस पे डालेंगे हमारा लिक्विड चीज। तो इसके ऊपर भी जो बची हुई स्लाइस थी ना, बची हुई कह रहा हूँ सॉरी, दूसरी वाली स्लाइस थी, इसके ऊपर भी हमने लगाया पिज्जा पास्ता सॉस और थोड़ी सी टमाटो केचप। मेयो भी लगाई है? नहीं, मेयो वगैरह कुछ नहीं लगाया। चलो, अब इसको हम कर देंगे कवर। क्योंकि इसके ऊपर अभी हम अनियन डालेंगे, चीज डालेंगे और बहुत सारी चीजें डालेंगे, तो अब हम इसके ऊपर डालने वाले और ज्यादा थोड़ी सी ग्रेटेड चीज। चीज बिल्कुल, यहाँ पे भी चीज है, यहाँ पे भी चीज है और ये भी चीज है। अब हमारे टॉपिंग्स क्या है? अब हमारी इसमें डालेंगे टॉपिंग्स अनियन, सिर्फ अनियन। एक बात तो बताओ, ये इतना चीज़ हमने घर पे मतलब ऐसे फिल कर दिया, अगर हम बाहर ऑर्डर करते, मान लो अगर रोड साइड करते या फिर डोमिनोज में भी करते हम, अगर इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा 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 इतना तो शायद करके भी नहीं देते, और अगर कर भी देते तो कितने का पड़ता? बस ज़्यादा थोड़ी, कपड़े वपड़े उतरवा लेते हैं, बर्तन भी धोने पड़ते साथ में। पहले थोड़ा सा और लिक्विड चीज़, और यार वो है ना बहुत ज्यादा मोटी ट्यूब से निकल रहा था, तो इसलिए है ना मैंने इसके अंदर ही थोड़ा सा ना एक होल कर दिया है, जिससे है ना ये प्रॉपर अच्छे से है ना लाइन बने। ये देखो, अब ये देखो, ये बनी लाइन इस तरीके से, ये देखो। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आवर मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है 10 चीज स्लाइस। ये क्या कर रही है? नंबर 1, ये हम लगाते हैं इसमें यहाँ पे। कितना ज्यादा चीज लग रहा है। ये येलो वाली चीज है। हाँ, ये येलो वाली चीज है, इसका टेस्ट जो है ना वो वाइट चीज से बहुत ज्यादा बेटर होता है, फार बेटर।
और इसका जो प्राइस है ना वो भी वाइट चीज़ से बहुत ज़्यादा फार 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 बेटर होता है। इतना प्राइस प्राइस मत करो, लोग बोलेंगे इतना पैसा कमाते फिर भी रोते रहते। ऐसा नहीं यार, स्लाइस थ्री हो गई है, स्लाइस नंबर थ्री हमारी हो चुकी है। हाँ, ये हमारी फोर्थ स्लाइस है। yes. स्लाइस। चलो 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 रखो, और ये और टूट गई। नहीं टूटी, बचा लिया। स्लाइस नंबर फाइव फोर ओह सॉरी फोर I'm really very sorry. I'm weak at maths. ये सारे यहाँ पिघलने लग जाते हैं, जैसे फिर से बाहर निकालो ना मौसम, क्योंकि आप लोगों को पता ही है दिस इज दिल्ली। स्लाइस नंबर फाइव पाँच हो गई है और पाँच और आनी है। भाई ये पिज्जा बहुत महंगा है, सच में बहुत महंगा है। आ रहे स्लाइसेस को कितनी डाल दी हमने, पनीर से छूटना ही नहीं चाह रही। कितनी डाल दी ये डल गई, सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ नाइन्थ, नहीं वो सेवन्थ है, वो सेवन्थ है सॉरी। था ना इतनी सारी स्लाइस है, मैं पता भी नहीं लग रहा कितनी कितनी डल गई। लूट गई है पिज्जा बना के, मेरे को इतना तो जरूर पता है एक चैलेंज करने के चक्कर में। पैसे हो यार नहीं लगे, अपनी जेब से लग रहा है जो लग रहा है। ये तो जरूर सुनने को मिलेगा कि आपने इतनी ज्यादा स्लाइस इतनी ज्यादा चीज खाई है, ये है वो, ये तो जरूर जरूर सुनने को मिलेगा। कितना राउंड में कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसे लुक कितना प्यारा। और अभी जब ये मेल्ट होगा ना तो मजा ही आएगा। लास्ट फाइनल एंड 10th स्लाइस। ये यार टूटे जा रही है, टेंपरेचर इंसान के पसीने निकाल रहे, तो फिर भी बेचारी चीज स्लाइस दिखाओ। 10th स्लाइस ये डल गई हमारी, 10th स्लाइस। ओ माय गॉड, लाइक देख रहे हो 10 स्लाइसेस वाला, लिटरली 10 स्लाइस डाल इसके अंदर। ये तो सही बहुत महंगा वाला पिज्जा है। अब क्या करना है, इसके ऊपर मैं थोड़े से स्प्रिंकल कर दूंगा और अनियन ही डालने, थोड़े से रख देते हैं ना टॉपिंग्स, रख सकते हैं थोड़े से, रख देते टॉपिंग्स, थोड़ी सी टॉपिंग्स रख देते हैं। इसको चिपका चिपका के टाइम से भी ज्यादा, अब इसके ऊपर आएगा थोड़ा सा सीजनिंग। थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे, बिल्कुल ज्यादा नहीं सीजनिंग। तो अब आ गया हमारा फाइनल स्टेप, जिसके अंदर हमारा पिज्जा ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। करेंगे हीट पैन, पैन में क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत सारे लोगों के पास माइक्रोवेव या ओवन होता नहीं है। हाँ। माइक्रोवेव या ओवन के अंदर आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि हार्मफुल रेडिएशंस निकलती हैं। दूसरा ये पैन के अंदर जो टेस्ट आता है ना, वो आपको माइक्रोवेव या ओवन में नहीं आ सकता। ये इसके अंदर हमारे पास एक स्टैंड है, इस टाइप का स्टैंड आपको किसी भी चीज के लिए अपने घर के अंदर मिल जाएगा। जैसे इस पे लोग बैंगन वगैरह का भरता गर्म करते हैं, या फिर कोई पतीला वगैरह रख लेते हैं, तो आपको इस टाइप का एक, ये देखो इस टाइप का एक स्टैंड है, ये यूज करना है। इसको ऐसे रखना है इसके अंदर, और हाँ तब रखना है जब पैन को आप प्री हीट कर लो। इसके अंदर थोड़ी देर हीट को हम बनने दें। जिस प्लेट में आप रखोगे ना पिज्जा, उसके अंदर आपको घी या बटर कुछ भी लगा। तो ये अब हमने रख दिया हमारा पिज्जा प्लेट, ये प्री हीट हो चुका है। ये देखो आप धुआं छोड़ रहे हैं। कैसे निकाले इसे, पूरी उठाने वाले पलटे से निकाला जाए। करो 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 यार, ये चीज इसने इतनी सारी डलवा दी ना, सारी अंदर से निकल रही है। ये देख रहे हो इसका क्या हाल हो रहा है। करो कट, हुआ हो रहा है ना कट तो भाई। बर्तन तू साफ करके जाएगा। ये डालता हूँ जल्दी से, थोड़े से बना दिया मजे आज तो है ना, चीज ही चीज। अनियन का नहीं पता चल रहा, इसमें बेस का नहीं पता चल रहा। सबसे अच्छी बात देखो भाई, इसका बेस नहीं जला जरा, बिल्कुल भी नहीं जला बेस, मेरे वाले का भी नहीं जला। खाओ अब इसमें, और कितनी कितनी डाल दी आपने यार चीज़ पे। कैसा है
मज्जा अभी मस्त था, सच में बहुत टेस्टी था। कल हमने 10 स्लाइसेस का पिज्जा चैलेंज कंप्लीट कर लिया है, बहुत सक्सेसफुली रहा। अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे कि वो पेट उसी से ही भरा हुआ है पूरा। बहुत और ना मुंह में टेस्ट आया हुआ अभी भी उसी पिज्जा का, तो बहुत मतलब बढ़िया तरीके से चैलेंज और बहुत टेस्टी लगा पिज्जा। और सच्ची में अच्छा था, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरे को लगा 10 स्लाइस डालने के बाद पिज्जा ना बिल्कुल खराब हो जाएगा, सिर्फ चीज का टेस्ट आएगा, लेकिन उसके अंदर चीज का जो टेस्ट आ रहा था ना वो बहुत अच्छा था। अनियन का भी आया था, चीज का भी, और साथ में जो बाकी फ्लेवर्स भी आ रहे थे ना, और भी उनमें भी कोई कमी नहीं लग रही थी, वो बिल्कुल टेस्टी लग रहे थे। मतलब ओवरऑल बहुत मजा आया और हमारा चैलेंज भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। थोड़ी सी लेट हो गई थी वीडियो आने में, बट चैलेंज हो गया। आपको हमें और कोई चैलेंज देना हो तो जरूर बताना, हम जरूर पूरा करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, बाय बाय। यू ऑलवेज फॉरगेट टू से बाय बाय।